हमारा कल शो है, मैं बॉम्बे ब्रास एक बैंड है उसके साथ में बजा रहा हूँ। इनक्रेडिबल बैंड है, बेसिकली बॉलीवुड ट्यून्स को ये बैंड हॉर्न्स पे प्ले करता है, अलग अलग अरेंजमेंट बनाया है रीस बैस्टियन ने। तो कल हमारा गिग है, आज रिहर्सल का दूसरा दिन है। मैंने काफ़ी चीज़ें कल रिकॉर्ड की थी एक दिन पहले आज से, पता नहीं क्या हुआ मेमोरी कार्ड को, सब कुछ डिलीट हो गया, पर कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं कहानी। अभी मैं रिहर्सल पे जा रहा हूँ क्विकली, और अभी 8 बज रहे हैं, रिहर्सल करीब 9:30 बजे शुरू होगी, 1 बजे ख़त्म है, तो 3 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगा घर, फिर बाकी एक काम करेंगे। तो चलिए रिहर्सल पे चलते हैं और फिर वहाँ सबसे मिलवाता हूँ मैं आपको। जो ये जगह है होटल, इसके ऊपर एक जगह है, उसका नाम है गुड मॉर्निंग, उसका नाम है हैबिटेट। हैबिटेट में काफ़ी सारी स्टैंड अप कॉमेडी होती है। आपने कुणाल कामरा और इन सब लोगों की स्टैंड अप कॉमेडी देखी होगी, वो इसी हैबिटेट में होती है। अभी हम स्टूडियो स्लैश रिहर्सल पैड जा रहे हैं और वहाँ पे जाके अपनी रिहर्सल शुरू होगी। काफ़ी ज़्यादा सुंदर रिहर्सल स्पेस है ये, और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ देखी होंगी आपने कई लोगों की जो यहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं। तो बॉम्बे का अभी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पॉट बन गया है रिहर्सल्स करने के लिए। खिड़की खोल लेते हैं, फिर सेटअप करते हैं और फिर कुछ खाते हैं। इन्होंने यहाँ पे लेनी का कैबिनेट रखा हुआ है और उस कैबिनेट को इन्होंने कनेक्ट किया है हार्ट के एम्प के साथ में, और काफ़ी अच्छी साउंड आती है इसकी। अभी रिहर्सल की जब रिकॉर्डिंग होगी तो आपको सुनाई देगा आराम से। सो दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। म्यूजिकल वी आर हैविंग बाय द पावर। Breakfast is done. We'll start work now. I was thinking horns can just run through that girl song. Robin को आपने देखा होगा इंडियन आइडल में। James को आपने देखा नहीं होगा अभी तक। नहीं, अभी देखने वाला। अगर आप देखने वाले हैं। James is playing trumpet. Robin is playing trumpet. Yeah, just. Adi Rao. हेलो हाय। इनको आपने जैमिन में और सलीम सुलेमान, जितने भी टीवी के सारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं, यही इंसान हैं जो उनके साथ में बुलाते हैं। आईडी राव, ये रमोन है, रमोन तो आपने पॉडकास्ट में देखा है, कीबोर्ड प्लेयर, ट्रॉम्बोन प्लेयर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, आज ट्रॉम्बोन बजा रहे हैं। और ये जेजे है। हाँ, मेरा नाम जहांगीर, जहांगीर मैं थाली बजाता हूँ। अभी हम एक ट्रैक रन कर रहे हैं जस्ट विद अ बैकिंग ट्रैक, एक ये रेफरेंस ट्रैक है, तो हॉर्न सब कुछ ट्राई कर रहे हैं उसके साथ में कैसा साउंड करेगा, फिर ड्रमर आ जाएगा और फिर हम लोग बनाएंगे। कोई मेडली है, पता नहीं है। Okay, I mean, I just want to only. I completely forgot how we used to transition. So it's going into four. Yeah, correct. Kind of push it up a little bit. I'm gonna actually try and push it. हमारी रिहर्सल खत्म हो गई है, सब कुछ हमने रन कर लिया, पूरा सेट अभी बजा लिया टॉप टू बॉटम। छोटा सेट है आधे घंटे का, छोटा सेट है आधे घंटे का, और डिडंट टेक टू मच टाइम, अभी बजा लिया सब कुछ। अब हम कल सीधा गिग पे मिलेंगे। एवरीबडी इज फीलिंग गुड अबाउट इट। ओके बाय। गुड मॉर्निंग। आज शो का दिन है और मैं घर से करीब 10 बजे निकलूँगा, अभी 6 बज रहे हैं, तो मेरे पास 4 घंटे हैं बीच में वो सारी चीज़ें करने के लिए जो मैं करना चाहता हूँ निकलने से पहले। सो जनरली मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है एक छोटा सा, 1 घंटे बुक पढ़ता हूँ मैं और उसके बाद 1 घंटा बेस हो जाता हूँ एंड देन थिंग्स बिल्ड फ्रॉम देयर, और बाकी का दिन का काम होता है। लेकिन आज मुझे फोकस करना है शो के जो गाने हैं उनको मैं रिवाइज़ कर लूँ फटाफट। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक बुक पढ़ूँगा 1 घंटे के लिए और फिर प्लेइंग, जिसमें फोकस यही रहेगा कि कैसे हम आज के गानों को रिवाइज़ कर लें। लेकिन सबसे पहले हम कॉफ़ी बनाएंगे और कॉफ़ी के साथ पढ़ने के लिए बैठेंगे। वर्कआउट इज़ डन, जस्ट मेक्स मी फील गुड एवरी डे। जनरली शाम को करता हूँ क्योंकि आज शाम को शो है तो हो नहीं पाएगा, तो सुबह जस्ट 10 मिनट्स स्क्वाट्स, बर्पीज़, पुशअप्स, लंजेस, इतना काफ़ी है 10 मिनट के लिए। अब बस ये करना है, गाने रिवाइज़ करने बैठना है। तो अभी करीब आधे घंटे से मैं बैठा हूँ, एक काम कर रहा हूँ रिविज़न का। तो रिवीजन बेसिकली सिंपली ऐसे हो रही है कि रिहर्सल की रिकॉर्डिंग्स है, अगर आप ऑडियो फाइल्स देखें ये सब रिहर्सल की रिकॉर्डिंग्स हैं। ये मेरे चार्ट्स हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द पार्ट्स कि सब कुछ ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है मुझे ठीक बजाने से। और जितना भी आप बजा लें शो से पहले उतना अच्छा है, ताकि स्टेज पर बिल्कुल गलती ना हो। अभी हम लोग वेन्यू पर जा रहे हैं, वेन्यू का नाम है एंटी सोशल और क्लब है, वो एक क्लब गिग हो रही है आज। अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्योंकि काफ़ी कल्चर चेंज हो गया है, लाइव स्ट्रीम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, तो ये क्लब क्या कर रहा है कि इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं बॉम्बे में और थ्रू आउट इंडिया होगा ना। देयर आर 28 सोशल्स इन 27 सिटीज। सो थ्रू आउट इंडिया दे हैव सोशल्स, एंटी सोशल, आई मीन दैट्स व्हाट द प्लेस इज कॉल्ड। अब ये लोग पूरे जितने भी इनके ब्रांचेज हैं सब जगह पे इसका लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, तो जो हमारा शो होगा थ्रू आउट हर एक जगह पे ये लोग उसको दिखाएंगे, जैसे क्रिकेट मैच दिखाते हैं। अभी हम सीलिंग पे हैं और यहाँ से हमें करीब आधा घंटा लगेगा वेन्यू पे पहुँचने है। इस जगह का नाम है मथुरा दास मिल्स, और यहाँ पे मिल्स हुआ करती थी किसी ज़माने में, फिर वो बाद में रेंट पे दे दी गई हैं काफ़ी सारे रेस्टोरेंट को। यहाँ पे इस तरफ को एक क्लब हुआ करता था बहुत फेमस, ब्लू फ्रॉग, नहीं वहाँ पे आगे, इससे आगे, सॉरी, अभी वो आने वाली है उसके, तो ब्लू फ्रॉग यहाँ पे हुआ करता था कभी किसी टाइम पे, लेकिन वो भी बंद हो गया, करीब 2 साल हो गए उसको भी बंद हो गए, 2-3 साल। नहीं 5 अभी। और ये सारे स्ट्रक्चर्स मिल्स के स्ट्रक्चर्स हैं, इन मिल्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर और बिल्डिंग्स के अंदर ये सारी शॉप्स सब खुल गई हैं, ऑफिस खुल गए हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे जाके पैसे नहीं खर्चने चाहिए, पैसे म्यूचुअल फंड में ही डालने चाहिए। What's up? Actually feels like I'm at a wedding. So Nuclear is playing and Dithril is playing today, और कौन है? And Biswa is doing comedy, stand-up comedy today. Generally इतनी ज़्यादा decoration नहीं होती है clubs के अंदर, पर आज कुछ ज़्यादा ही हुआ है, interesting है। दिस इज द वीडियो टीम फॉर टुडे। तो जो भी होगा वो ये लोग शूट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो कोशिश यही रहती है हम लोगों की कि जितने भी शोज हों वो डॉक्यूमेंट होते रहें, अच्छे से रिकॉर्डिंग करके करें उनकी, ताकि आप YouTube पे कंटेंट डाल पाएँ, आगे किसी के साथ में शेयर करना है। Pratik is the engineer for today. Say hi to the vlog. Sound check खत्म हो चुका है। मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया, सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। छोटी जगह है आज, जगह उतनी नहीं मिल रही है। रीज़ अभी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं हम लोगों के लिए यहाँ पे। हम क्या खाएंगे वो रीज़ बताएगा। शोर में तो जनरली क्लब किड्स में ऐसे ही तरह की डेकोरेशन नहीं होती है, जैसे अभी शादी का बड़ा फिर बना है, लेकिन कोई चीज़ है रिचेज और यूपिया ने बनाई है, आ रही है बारात, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा वेन्यू ऐसे डेकोरेट किया कि शादी टाइप में जितने भी लोग आ रहे हैं वो लोग बारात में आ रहे हैं। So we are starting. I'm not going to waste too much of your time. I think. Let me call on stage the first act for tonight. Please make some noise for Biswa Kalyan Rath. Woohoo! Crazy, crazy. सब लोग थोड़ा आगे आगे आ जाओ. Come, come, come. Biswa का सेटअप भी ऑन है और पीछे पूरा बैंड रेडी हो रहा है. मुंबई. इतना पैसा लगा के एयरपोर्ट बनाया. हाईवे बनाया, जुहू बीच बनाया. What do you like? IIT. Why? Because I am in it. करण गिल का सेट नेक्स्ट है. It's so nice to see the different faces of drunk across the audience. मैं नहीं रिकॉर्ड. Like some people are just getting into it, and this guy over here is just standing. So we are about to start. काफ़ी दिनों बाद ये नया सेट बजाया। थैंक यू जय जय। आपने जो घराना बजाया आज Hey guys, really enjoyed the show and the guy really rocked. That was a really good gig. We had a great gig. It was a good gig. Yeah. We are done. Nuclear and Ripley's are on stage now. तुम सब लोग है ना, सब तुम में से कोई एक आदमी ने ना ऐसा वो मेरा वीडियो खींच के YouTube पर डाला, मार दी। So I need to figure out how to do this. ये वीडियो तो मैं डालने वाला हूँ। चलेगा चलेगा चलेगा। तुम लोग ऋत्विज के फैन हो, मेरे से बड़ा फैन नहीं हो सकता कोई ऋत्विज का। तो क्योंकि मैं ऋत्विज का इतना बड़ा फैन हूँ तो मैं ऋत्विज के गाने से शुरू कर सकता हूँ। ओके there you go. Can you get the volume up a little bit? I don't want a master over here. Okay, if you guys know this song, sing along. Okay. Okay, guys. Bye bye. Have a great day. I hear you breathe, but I can't see. If you're right here next to me, something's wrong. Wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me